मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर एंड इट इज सेकेंड चैप्टर सेकेंड पार्ट एंड इट्स नेम इज क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. ओके, टुडेज टॉपिक इज क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप एंड अवर लेसन नेम इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर. फेमिलियर मीन्स होता है बेटा कि हम सब कुछ जानते हैं विद जेंडर डिफरेंसेस. कि हम सब क्या जानते हैं, जेंडर डिफरेंसेस के बारे में सब जानते हैं. क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, क्रिएटिंग मतलब बनाना, ठीक है. स्टीरियोटाइप्स के हमने अपने माइंड में क्या कर लिया है, लड़के और लड़की का भेदभाव जो हमने अपने माइंड में डेवलप कर लिया है कि बॉयज ऐसे ही करते हैं और गर्ल्स इस तरीके के काम करती हैं, ठीक है. तो ये उस सोच से रिलेटेड है कि क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स के हमने क्या कर लिया है कि ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस. व्हाट डज इट मीन टू बी ए बॉय और ए गर्ल. मेनी ऑफ यू वुड से We are born as boy and girl. It is a given. Okay? What is there to think about? Let's see if this is the case. अब देखिए ये केस दिए गए हैं. नीचे जो है क्या किया गया है, देखो बेटा कुछ जो है स्टेटमेंट्स दी गई हैं. उसके बाद जो है दो साइड बनाई गई हैं इधर, गर्ल्स और बॉयज. ओके, तो आपको स्टेटमेंट्स जो है वो पढ़नी है और स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद क्या करना है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट यूं लगता है कि वो गर्ल्स के लिए है, कौन सा स्टेटमेंट यूं लगता है दैट इज फॉर बॉयज, यू कैन पुट इट. ओके, देखो जैसे पहला स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे. देखो, अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज एप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन. सबसे पहला क्या है बेटा, दे आर वेल बिहेव्ड. वेल बिहेव्ड मतलब बहुत अच्छा उनका व्यवहार होता है. तो कौन होते हैं वो, गर्ल्स और बॉयज, यू थिंक यूर सेल्फ. ओके, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल. सॉफ्ट स्पोकन मीन्स कि जो बहुत मधुर बोलती हैं, ठीक है. कौन बोलता है मधुर. उसके बाद दे आर फिजिकली स्ट्रांग, शारीरिक रूप से स्ट्रांग होना, मजबूत होना. कौन होते हैं, बॉयज होते हैं या गर्ल्स. दे आर नॉटी, शरारती होते हैं. कौन, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग. डांस एंड पेंटिंग में कौन अच्छा होता है, लड़कियां या लड़के. दे डोंट क्राई, जो कभी नहीं रोते. दे आर राउडी, जो थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी शरारती टाइप्स होते हैं उनको राउडी कहते हैं, ठीक है. दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं. दे आर गुड एट कुकिंग, जो कुकिंग यानी कि खाना बनाने में जो अच्छे होते हैं. और दे आर इमोशनल, यानी कि जो बात बात पर जो है बहुत ही जल्दी रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं. ओके, तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं बेटा, इन सारी स्टेटमेंट्स को आप अपने आप से पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आप ये सोचेंगे कि कौन सी बात किस पर फिट बैठती है, गर्ल्स पर या बॉयज पर. उसके बाद जो है आप उसको रख के और इधर इधर लिख लेंगे अपनी बुक के अंदर. ओके, नाउ चेक विद योर टीचर्स हेल्प हु हैज पुट विच स्टेटमेंट वेयर. फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल्स रीजन फॉर डूइंग दिस. आर द क्वालिटीज You put in for boys something that boys are born with. जो आप qualities, मान लीजिए आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया है कि they are physically strong. वो आपने boys के उसमें लिख दिया है. तो आप are you fully assured कि ये जो statement यहीं पर होनी चाहिए, ये बात आप अपने teacher के साथ discuss करेंगे. They are good at cooking. आपने वो girls की side लिख दिया है, तो आप अपने teacher के साथ discuss करेंगे कि क्या लड़कियां ही cooking में अच्छी होती हैं, boys are not good in cooking. तो इस तरीके से. ओके, आगे हम लेसन को कंटिन्यू करते हैं बेटा. आगे लेसन जो है आगे क्या कहता है, इफ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई. अगर मान लीजिए हमने एक स्टेटमेंट ली है कि दे डोंट क्राई, जो कभी नहीं रोती हैं. यू ऑल सी दैट दिस इज ए क्वालिटी एट इज Generally associated with boys and men. कि ये किसके साथ जुड़ी होती है कि भाई वो कभी भी नहीं रोते हैं, किसके साथ जुड़ा होती है ये वाली बात है, बॉयज और मैन के साथ ही ये बात है हमेशा ज्यादातर जुड़ी होती है, वो कभी नहीं रोते हैं. As babies or children when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy."
अगर मान लो कि बता रहे हैं कि कभी कोई जो है ऐसा सीन बन जाता है कि कोई जो है छोटा बच्चा जो बॉय है अगर वो गिर जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तुम रो मत, यू आर ए बॉय। तो उनको बचपन से ही ये बात सिखाई जाती है कि बॉयज कांट क्राई। देखो, बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ ए बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। अगर किसी लड़के को बुरा भी लग रहा है और वो रोना भी चाहता है, फिर भी वो क्या करता है बेटा, ही कैन स्टॉप जो है वो ही कैन स्टॉप हिमसेल्फ, वो रोएगा नहीं, वो अपने आप को रोक लेगा फिर भी, ठीक है। ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज ए साइन ऑफ वीकनेस। तो क्राइंग जो है यानी कि रोना क्या है, एक तरीके का जो है कमजोरी का साइन है, इसलिए भी बॉयज आर नेवर ट्राइंग टू वीप। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं, सो इवन दो बॉयज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन, एज दे ग्रो older boys learn or teach themselves not to cry। तो फिर उनको वो हमेशा से याद आ जाता है, अगर उनका कभी मन भी कर रहा हो रोने का तो भी उन्हें याद आ जाएगा कि नो दे आर बॉयज, उन्हें रोना नहीं है। इफ ए ग्रुप बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर विल आइदर टीज हिम और लाफ एट हिम एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो इस तरीके से वो दूसरों के सामने में रोने में क्या होता है, वो डरता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो उसको चिढ़ाएंगे, ठीक है। दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर, दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. Okay, when we fit a image in our mind for particular boys or a girl, इट मीन्स वी आर स्टीरियो टाइप्स, ठीक है बेटा। अगर हम ऐसे सोचते हैं कि कई लड़कियों को ऐसा ही करना चाहिए और लड़कों को ऐसा ही करना चाहिए, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं या बॉयज ये काम नहीं कर सकते हैं, तो इट मीन्स वी आर ऑल्सो स्टीरियो टाइप, जो हम जो है लड़के लड़कियों में इस तरीके का भेदभाव करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कि यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड एंड डिस्कस हाउ दीज आर अप्लाइड टू गर्ल्स। डू गर्ल्स प्रोसेस दीज क्वालिटीज एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स? वट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉटी? कि जैसे अगर मान लीजिए लड़कियों के लिए अगर आपने ये स्टेटमेंट तय किया है कि वो हमेशा जो है अच्छी बोलने वाली होती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सभी लड़कियां एक जैसी हों, कुछ लड़कियां जो है वो नॉटी भी हो सकती है, ठीक है। वेन वी फिक्स पीपल इन टू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप। वेन पीपल से दैट दोज हु belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotype. There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor. ठीक है, तो अगर मान लीजिए स्ट्रिंजी मीन्स होता है बहुत ज्यादा कंजूस मक्खी चूस जैसे टाइप जो इंसान होता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो सब ही कल्चर में, सब रिलीजन में, हर जगह जो है, हर कंट्री में आपको मिलेंगे, हर फील्ड में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। तो आप किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए जो है ऐसा जो है यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम। के अगर कुछ लोग जो है ऐसा कर रहे हैं, उनके अगर बिहेवियर इस तरीके का है, तो ये मतलब नहीं होता बेटा कि सभी लोग जो हैं ऐसे ही होंगे, ठीक है।
तो ये है बात। इसके बाद स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल विद हिज वन और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन टू ओनली वन पैटर्न और टाइप। Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. इसका मतलब क्या कहते हैं बेटा? इसकी बात का मतलब ये होता है कि हमेशा जो है हम एक ही तरीके से कुछ भी सोच लेते हैं कि भाई जो भी लोग होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, तो वो हमारा सोच क्या होता है? अगर लगातार हम सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, तो समाज में इन मान्यताओं को बिना सोचे समझे ही मान लिया जाता है, ठीक है, और हम विश्वास करने लगते हैं और उसी के अनुसार जो है हम सब बातें सोचने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो पूर्वाग्रह होते हैं ये बिल्कुल गलत होते हैं। ओके, आगे देखो। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी मतलब होता है असमानता, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। तो ये कैसे होता है कि डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स। जब लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स, ये डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव कब होता है कि जब आपने मान लीजिए आपके माइंड में क्या हो चुका है, आप किसी विशेष जो है आपने किसी जो है आपके माइंड में पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों को लेकर के अगर मान लीजिए आपके माइंड में किसी भी तरीके से कुछ भी जो है इनइक्वल चल रहा है, गलत चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की भावना अगर आपके माइंड में चल रही है, तो इट मीन्स यू आर वर्किंग एज ए प्रिजुडाइसेस। ओके, उसके बाद देखो कहते हैं इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल ऑन डाउन, इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड टेकिंग अप जॉब्स और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपम्प, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेस एज अदर्स, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। अगर आप ये इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं उनके साथ, तो किस तरीके का बिहेवियर कि आप जो है उनको किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने से उनको जो है नेबरहुड में रहने से रोकते हैं, एक ही कुएं से या हैंडपम्प से पानी लेने में रोकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए दूसरों द्वारा जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है कप या गिलास, उसमें आप चाय नहीं, उसको जो है नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनके साथ जो है गलत व्यवहार कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। डिस्क्रिमिनेशन का जो है बेटा बहुत सारे कुछ कारण होते हैं जिनके कारण डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्लेस करता है, वो आ जाता है। यू प्रोबेबली, आप शायद रिकॉल कीजिए अपने माइंड में फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। ओके, वन इज हिंदू एंड अदर वन इज मुस्लिम। दिस इज एन एक्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ग्रुप्स ऑफ पीपल who may speak a certain language, follow of particular religion, live in specific regions, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. समझे आप कि ये क्या कह रहे हैं बेटा कि अगर जो है भेदभाव कई कारणों से हो सकता है, जैसे जो है आप ये पिछले लेसन में समीर एक और समीर दो के बारे में आप याद कर लो अपने माइंड के अंदर, तो आपको कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। यह विविधता क्या होती है? ये एक पहलू होता है विविधता का, पर यह भेदभाव क्या होता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन का, ये जो विविधता है वो डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाता है। और ऐसा कब होता है बेटा? ऐसा जब होता है जब जो है जब जब जो है सब लोग अपने अपने प्रथाओं और रिवाजों को क्या मानने लग जाते हैं, अच्छा मानने लग जाते हैं और दूसरों को खराब मानने लग जाते हैं, इस तरीके का बिहेवियर आ जाते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। समीर दो वाज पुअर। समझिए, ये पहले में तो क्या था, यहाँ रिलीजियस डिफरेंस के आधार पर जो है बात थी, अब यहाँ पर जो है इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी बात की गई है कि समीर एक तो जो था वो रिश्ता और दो जो था वो पुअर था, ठीक है।
दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर, कि इस तरीके के डिफरेंस जो है आपने पिछले लेसन में पढ़े हैं. समीर दो वाज पुअर, ओके, इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी. जो इस तरीके का है, जो जो इस तरीके की इनइक्वालिटी है वो क्या है बेसिकली, वो इनइक्वालिटी क्या है, वो इनइक्वालिटी है वो बेसिकली जो है वो किसी भी तरीके से हम उसको डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंस से ज्यादा वो इनइक्वालिटी है. पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी. जो लोग गरीब होते हैं उनके पास कुछ भी रिसोर्स नहीं होता है जिससे वो अपना काम चला सके. टू मीट देयर बेसिक नीड्स, यानी कि बेसिक नीड्स क्या है, फूड शेल्टर एंड क्लोथ्स. उनका जो बेसिक नीड्स है बेटा वो भी कंप्लीट नहीं हो सकती, हो पाती हैं, बिकॉज दे हैव नॉट मच मोर मनी. ओके, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर. दे एक्सपीरियंसेस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेस, इन हॉस्पिटल्स, schools etc. where they are treated badly because they are poor. ऐसे स्थान पर जो schools हैं, offices हैं या फिर hospitals हैं वहाँ पर उनके साथ जो है bad treatment किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है because they are poor. Some people may experience both kind of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued, tribals, some religious groups and even particular religions are discriminated against for one or more of these reasons. यहाँ पे बता रहे कि कुछ जो है समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो है पुअर और रिलीजन के आधार को छोड़कर किसी और बेस के आधार पर भी जो है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा होगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा होगा. इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल लुक एट How a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste and used to discriminate against large number of people. ठीक है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि बेटे कि ये जो है बेसिकली क्या है कि जब कुछ ऐसा भी हो जाता है कि समाज में क्या हो जाता है कि जाति के आधार पर भी जो है बहुत बड़ा जो है इनडिफरेंस हो जाता है, जहां पर दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों के ट्राइबल पीपल मतलब जनजातीय लोगों को जो है करना पड़ता है, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को भी करना पड़ सकता है. ठीक है, ये अगर मान लीजिए इस तरीके का बिहेव होता है तो. ओके, अब जो है इससे आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय, स्टे होम सेफ.